इस वक्त मैं जम्मू के ड्रीम सिटी मुठ्ठी इलाके में हूं और यहां से भी एक आज कोरोना वायरस का पॉजिटिव केस आया। जिनका ये कोरोना वायरस का पॉजिटिव केस आया है वो एक महिला हैं और उनकी उम्र 52 इयर्स हैं। ये इस टाइम जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक नर्स के तौर पर जो हैं काम करती हैं, और जब इनका कोरोना वायरस पॉजिटिव आया है तो अब इनको आइसोलेशन वार्ड में जो है शिफ्ट कर दिया गया है। मैं एक बार आपको फिर से बता दूं, 52 इयर्स की ये एक गवर्नमेंट नर्स जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं, उनका कोरोना का पॉजिटिव टेस्ट आया है, जिनको अब आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवा दिया गया है। जम्मू के कई सारे इलाकों से जो हैं अब कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस आ रहे हैं, जिनमें से अब एक ड्रीम सिटी मुठ्ठी से भी केस आया जहां पर इस टाइम मैं खड़ा हूं। और मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूंगा, चाहे वो इसी इलाके के अगर मेरा वीडियो देख रहे हों तो कृपया करके कोशिश करें कि भीड़ भाड़ जैसे इलाकों में ना जाएं, मास्क पहनें और ख़ास करके सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। शुक्रवार शाम के 8 बजे से लेकर सोमवार के सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन भी जारी रहेगा। इस बीच में लॉकडाउन को भी पालन करें। वह एक बार फिर से कहूँगा कि ड्रीम सिटी मुठ्ठी में भी एक कोरोना वायरस का पॉजिटिव केस आ चुका है। सावधानी बरतें और अपने आप को सेफ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।